नमस्कार मित्रों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों आपको मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, आज विभिन्न एग्जाम में जो है साइंस का बहुत बड़ा स्कोप होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो मित्रों, अगर ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। तो हम सीधा आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है मित्रों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है मित्रों? माइटोकांड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम किसमें पाया जाता है? यूरेनियम किसमें पाया जाता है मित्रों? आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण हमारा सही आंसर होगा। पेप्टान बंध किसके बीच उपस्थित होता है? तो पेप्टाइड बंध जो होता है वो अमीनो अम्ल के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है मित्रों? राइबोसोम्स में होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो उस ऊतक का क्या नाम है मित्रों? तो उसका नाम है कैडमियम। भारत में नॉर्मल बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो आंसर है जाइलम। अगला क्वेश्चन, कपास के रेशे पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोग। अगला क्वेश्चन, स्वान मूल या नेमेटोफोर किस पौधे का नाम है? आंसर जूसिया। अगला क्वेश्चन, चंदन को सामान्यतया माना जाता है, तो चंदन को क्या माना जाता है मित्रों? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है मित्रों? तो हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है मित्रों? तो फोटोमीटर होता है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्रणाली की पाई जाती हैं? तो सबसे बड़ी जो आंखें होती हैं वो हिरण की पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीक। अगला क्वेश्चन, पौधे की यांत्रिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। अगला क्वेश्चन, जीवित प्रणालियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? आंसर प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? आंसर ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो लोग किसे पीड़ित होते हैं मित्रों? आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? आंसर लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर लैमार्क ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के स्तन से होता है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मित्रों? आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर कवक। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? आंसर कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर कष्टीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? आंसर जल। पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया कहला करती है? आंसर पत्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आंसर वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आंसर रेटिना। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर उरु। उरु को जांघ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जांघ गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? आंसर ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अगला आंसर हो जाएगा, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आंसर 12। किस द्रव में के एकत्र होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? आंसर लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर अस्थि मज्जा में। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? आंसर प्रकंद। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? आंसर सेब। कौन सा रूपांतरित तना है? आंसर आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है? आंसर बेटुला की छाल से। अगला क्वेश्चन, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? आंसर प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? आंसर वान लेक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? आंसर टेरिडोसाल। अगला क्वेश्चन है, जल में पनपने वाला पौधे को क्या कहते हैं? आंसर हाइड्रोफाइटस। अगला क्वेश्चन, मालावार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? आंसर वर्षावन। अगला क्वेश्चन, आलू किस कुल के से संबंधित है? तो आलू किस कुल से संबंधित है मित्रों? सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर छाल से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? आंसर तार के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन, पेट के भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर एंजाइम। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त की जाती है? आंसर बीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आंसर सोयाबीन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? आंसर विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या कथन किसका है? आंसर लैमार का। रेगिस्तान में पौधे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटिस। मित्रों क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आंसर हरी सब्जी में। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? आंसर मूत्र में। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? आंसर विषाणु में। एडवर्ड जेनर ने निम्न किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी मित्रों? आंसर चेचक का टीका का। अगला क्वेश्चन, एड्स होने का क्या कारण है? आंसर T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स वायरस क्या है? आंसर एक सूची RNA। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्त किस पदार्थ की बनी होती है? इसका आंसर सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन, लाल सागर और लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर शैवाल। अगला क्वेश्चन, गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है मित्रों? आयोडीन। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं? आंसर वायु प्रदूषक के। कुनैन किससे प्राप्त होती है? आंसर सिंकोना से।
अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? आंसर पुष्पकर्म। अगला क्वेश्चन, सामान्यतया अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? इसका आंसर प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आंसर भ्रूणकोष। अगला क्वेश्चन, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? आंसर मैजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्रिया कहाँ होती है? इसका आंसर एक नर युग्म का अंडाणु में संयोजन। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसका आंसर रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका आंसर पुष्प। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? इसका आंसर ब्रिक में। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण व वाष्प उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्यों? क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में क्या पाया जाता है मित्रों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका आंसर मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप से प्रदान करती है, क्या करती है मित्रों? तो कोशिका भित्त करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? आंसर क्लोरोप्लास्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर उर्वरकों के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कहाँ कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है? इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? उसको क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों के सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किसमें दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? इसका आंसर रेडियर। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को। दुधारू गाय का मुख्य पहचान क्या होती है? अन्नपूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नली या नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बकरी। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसे खोजा गया? रोनाल्ड रास्क ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, किसमें रक्त नलिका होती है किंतु श्वास श्वसन करता है? हाइड्रा। किसमें रक्त नहीं होती है किंतु श्वास करता है, श्वसन करता है मित्रों? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? आरिलिया। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? आंसर है सुअर। केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? केचुआ मुक्त मित्रों कोई आंख नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, तितली की आंखें रात्र में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसीडम के कारण। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग के। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मादा एनोफिलीज मच्छर। किसमें विषैले मछली होती हैं? सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा।
पाओ क्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे विशाल जीवित स्तन प्रणाली कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हामिंग वर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। अगला क्वेश्चन, सामान्यतया प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? केशिका जल। के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में। मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा के का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा होता है? आर्कजेनोमीटर। आर्कजिना रोग किससे संबंधित है? सेब से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस प्रकार की मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर में। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? अरु। अरु को क्या कहते हैं? जांघ कहते हैं। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र कोशिका। दांत का मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? टेडाइन के। अगला क्वेश्चन है, जिस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है उसे क्या कहते हैं? पैरामैग्नीशियम कहते हैं। केचुआ की कितनी आँखें होती हैं? केचुआ की आँखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन की समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा पनीर। कौन एक उड़ते हुए छिपकली है? ड्रेकोन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिलीन के कारण। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करती है? एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। गन्ने का लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? कोको का। आम का वनस्पति नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला। किसके द्वारा अनुवांशिकता के रोगों को अनुवांशिकी कहा जाता है? वाटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। तो जैसा कि मित्रों, इस वीडियो में हम टोटल 165 क्वेश्चन लेकर के आए थे। मित्रों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और इस प्रकार के क्वेश्चन आप डेली चाहते हों तो हमारे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। तो मित्रों, पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।